हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं RSG यूट्यूब क्लासेस। सो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, विज्ञान का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। दोस्तों, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन साइंस से पहले साइंस का क्या नाम था और इसको किसकी भाषा में क्या बुलाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जान जाते हैं दोस्तों, साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान अर्थात लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से मिलकर बना हुआ है हमारा साइंस। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं आपको, SCIENTIA, साइंटिया से बना है दोस्तों हमारा शब्द साइंस, जिसका अर्थ होता है, इसका मीन्स लिख देता हूं मैं आपको, इसका मीन्स होता है नॉलेज, नॉलेज या टू नो, मतलब कि जानना, ये जानना और ये ज्ञान। साइंस साइंटिया के शब्द से निर्मित है और इस साइंस का मीन्स होता है नॉलेज या टू नो, नॉलेज मीन्स ज्ञान, टू नो मीन्स जानना। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा कि साइंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके निर्माण और इसकी वर्गीकरण भी बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, साइंस को तीन भागों में बांटा गया है, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस। दोस्तों, नेचुरल साइंस होता है प्राकृतिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस होता है औपचारिक विज्ञान, सोशल साइंस होता है सामाजिक विज्ञान। इसके बारे में दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा कि नेचुरल साइंस के अंदर क्या आता है और फॉर्मल साइंस के अंदर क्या आता है और सोशल साइंस के अंदर क्या आता है। सो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ, नेचुरल साइंस, फॉर्मल साइंस, सोशल साइंस, इन तीन साइंस से मिलकर बना है हमारा विज्ञान। और इन तीन साइंस किससे मिलकर बने हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये आते हैं नेचुरल साइंस के अंदर। दोस्तों, अब तो आपको पता ही हो ही गया होगा कि नेचुरल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आते हैं, ये होती हैं नेचुरल साइंस। फॉर्मल साइंस यानी कि औपचारिक विज्ञान, इसके अंदर गणित आता है, इसके अंदर तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णयन आदि, इतने सारे सब्जेक्ट यानी कि विषय आते हैं फॉर्मल साइंस के अंदर। अब देखते हैं सोशल साइंस के अंदर, सोशल साइंस के अंदर आते हैं मानव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान खुद एक विषय है, लेकिन फिर भी इसके अंदर मानव विज्ञान, दर्शन, सामाजिक विज्ञान आदि इतने सारे आते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान जो कि जिसके तीन पार्ट होते हैं और उन तीनों पार्टों के भी तीन तीन चार चार पार्ट होते हैं। तो दोस्तों, अब तो आपको पता ही लग ही हो गया, अब आप ये सब जान करके मेरी वीडियो को, मेरी जितनी भी वीडियो हैं उनको आप देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उनको पढ़ें, उन पर गौर करें, उन पर फोकस करें। दोस्तों, आप भी जीनियस कहलाने जाने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं ये बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।